Hello, my dear friends and students, welcome back. Again, it's a new video for you, and this is about a word drive. It's a verb. Ye verb hai. और ड्राइव कॉमनली यूज्ड मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इज ड्राइव मींस चलाना, कोई गाड़ी को चलाना, ड्राइव करना, ठीक है. तो फर्स्ट यूज एज यू नो ड्राइव, ड्राइव मींस यू नो कोई बाइक चलाना, लाइक सॉरी कार चलाना, लाइक आई ड्राइव माय कार myself, ये मैं अपनी कार खुद चलाता हूं. तो चलाना, तो ये फर्स्ट यूज है ड्राइव का जो आप जानते हैं. लेकिन मैं एक दूसरा यूज बता रहा हूं आपको. इसका मीनिंग होता है जैसे ड्राइव अभी, तो कोई अनडिजायरेबल कोई एनिमल या कोई व्यक्ति है जिसको हम नहीं चाहते, उसको हम बोलते इसको यहाँ से हटाओ या इसको भगाओ. कोई लिविंग थिंग होना चाहिए. तो नॉन लिविंग के लिए फिर ड्राइव नहीं यूज करते. लिविंग के लिए कोई जानवर है, जैसे इस कुत्ते को यहाँ से भगाओ, है ना. तो ड्राइव दैट डॉग अभी, इस कुत्ते को यहाँ से भगाओ. तो ये ड्राइव का मतलब है. इसमें और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मैंने उसको यहां से भगा दिया. सो आई ड्रोव हिम, आई ड्रोव हिम अभी, मैंने उसको मतलब किसी व्यक्ति को यहां से बाहर भगा दिया. तो ये भगाने के लिए आप यूज करते हो लिविंग थिंग के लिए, ड्राइव कार चलाने के लिए या कोई फोर व्हीलर. एक थर्ड यूज होता है जैसे हम कोई नेल कील होता है, कील को हम दीवार में लगाते हैं हथौड़ी से, हैमर से, तो हम उसको बोलते हैं ड्राइव, ठीक है. तो ड्राइव दैट नेल इनटू द वॉल. ऐसे कोई भी चीज आप बना सकते हो, मतलब किसी भी टेंस में बना सकते हो. ड्राइव दैट नेल इनटू द वॉल, इस दीवार में इस कील को गाड़ो. या मैंने कहा ये कील आपने इसमें जो कुर्सी में लगाई है ये प्रॉपर नहीं लगाई है ना, तो वहां क्या बोल सकते हो आप. सो दैट नेल has not been driven into that chair properly. तो ये आप इस तरह that nail has not been driven into that chair properly. चेयर में सही तरीके से ये नहीं लगी है. तो आप इस तरीके से बना सकते हैं. मुझे कई स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए कि और ज्यादा एग्जांपल दीजिए आप. देने को तो मैं बहुत सारे दे सकता हूं आपको एग्जांपल, और सोचता रहूं बनाता रहूं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. मेरा माय एम इज टू जस्ट गिव यू अ लिटिल बिट नॉलेज अबाउट दैट, दैट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड एंड हाउ इट इज यूज्ड. बाकी काम तो आपको ही करना है. द मोर यू डू द बेटर यू कैन लर्न. आप खुद से करेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे, मेरे करने से आप नहीं सीखेंगे. माई एम इज टू टेल यू दैट वॉट इट इज एंड हाउ इट इज यूज. करना आपको है, आप करेंगे तो प्रैक्टिस तो आप सीखेंगे. हाँ, इफ यू थिंक दैट यू हैव एनी प्रॉब्लम आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उसको आपको बताने की कोशिश करूँगा. And as I have already told you, I have been teaching English for the last 25 years, more than 25.
And for the last 8 or 10 years, I have been teaching English online. I have got students, I have taught students from many countries. You may check my channel and even you can see the live recording of my class with my different students from different countries. If you think you want to have my personal guidance or personal classes to learn English, to learn speaking or whatever, then you may contact me. I have already given my email ID and Skype ID here in that video and below that. आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप सीखना चाहते हैं मेरे साथ तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अदरवाइज यू मे कीप वॉचिंग माई वीडियोज देखते रहिए और सीखते रहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू